बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। कल 18 फरवरी थी और चेयरमैन ईओबीआई अपने अहदे से रिटायर हो गए हैं। उनको नई अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट उनकी हुई है या नहीं हुई, इस वक्त तक कोई ऐसी इतलात मौजूद ना है। लेकिन आखिरी दिन उन्होंने ईओबीआई के साथ क्या खिलवाड़ किया, पेंशनर्स के साथ क्या होता रहा, कितने पैसे निकलवाए गए, कहां कहां पे कैसे डाका पड़ा, तमाम सबूत रसीदों के साथ आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानब बढ़ूं, आपसे इस्तदा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानब, और आज का मौजू है गरीब मेहनत कशों की पेंशन के इदारा ईओबीआई के चेयरमैन अजहर हमीद खोखर जाते जाते भी लाखों बटोर गए। मुल्क के गरीब मेहनतकशों, माजूरों, बेवाओं और यतीमों की पेंशन के इदारा ईओबीआई के चेयरमैन अजहर हमीद खोखर जाते जाते भी लाखों रुपए बटोर गए। मुल्क के गरीब मेहनतकशों, माजूरों, बेवाओं और यतीमों की पेंशन के इदारा ईओबीआई में बड़े पैमाने पर करप्शन और लूट मार का सिलसिला आखिरी दिन भी जारी रहा। उसकी जिंदा मिसाल कल 18 फरवरी को ईओबीआई के चेयरमैन अजहर हमीद खोखर अपने रिटायरमेंट के दिन भी जाते जाते माल मुफ्त दिले बेरहम के मकूला पर अमल करते हुए मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में कितने पैसे ले गए, 26 लाख रुपए समेट कर ले रहे हैं। 26 लाख रुपए समेट कर ले गए हैं। जी हाँ, पता ये चला है कि वो तबका अशराफिया के खेल गोल्फ के खिलाड़ी हैं और उन्होंने ईओबीआई के पैसों पर शहर के महंगे तरीन स्पोर्ट्स क्लब डिफेंस अथॉरिटी कंट्री एंड गोल्फ क्लब कराची की रुकनियत भी हासिल की हुई है। आज अजहर हमीद खोखर डिफेंस क्लब की मेंबरशिप की मद में ईओबीआई से 23 लाख रुपए और रिटायरमेंट की छुट्टियों एलपीआर की मद में 17 लाख रुपए और आजरों बीमादार मुलाजमीन और पेंशनर्स की अपीलों की समाप्त करने वाली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की अपीलेट अथॉरिटी के सरबराह की हैसियत से 6.5 लाख रुपए की खतीर रकूम वसूल की हैं। अजहर हमीद खोखर को रिटायरमेंट के अलाउंसेस के 46 लाख रुपए से ज़ायद अदायगी को दफ्तरी अवकात कार के दौरान यकीनी बनाने के लिए इदारा के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरान की दौड़ें लगी रहीं। अजहर हमीद खोखर दिन के 2:30 बजे दफ्तर आए और उनके चहीते जूनियर अफसरान, डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, स्टाफ बराए चेयरमैन और ताहिर सदीक, ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ने रीजनल हेड से भारी चंदा वसूल करके चेयरमैन के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ जो है वो उसका भी अहतमाम किया, खाने का भी अहतमाम किया। तो मेरे अजीम बुजुर्गों, आपके साथ जो खिलवाड़ जाते जाते अजहर हमीद खोखर साहब कर गए, 46 लाख रुपए बटोर गए, आप हैरान होंगे। और बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब जो दावेदार हैं दयानतदारी के, उन्होंने अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं की है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि ख़त लिखा जा चुका है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि जनाब ईओबीआई के जो चेयरमैन हैं उनका जो है वो ऐलान कर दिया जाए। सेक्शन 5 ईओबीआई एक्ट के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इख्तियार होता है कि वो चेयरमैन ईओबीआई की तैनाती या अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चेयरमैन के रिटायरमेंट से पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और आप जानते हैं कि अजहर हमीद खोखर ने अपनी तैनाती को यकीनी बनाने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का हंगामी इजलास बुलवाया और उस हंगामी इजलास में करारदाद पास करवाई और पास करवा के उसको भेजा। अब भी अपनी तमाम तर गोटियाँ जो है वो उन्होंने सेट कर दी हैं अपनी रीअपॉइंटमेंट के लिए। बदकिस्मती होगी अगर ये दोबारा अपॉइंट होते हैं। और आप देख रहे हैं कि जाते जाते कितने लाखों रुपए जो है वो एक ही दिन में जो है वो वसूल करके चले गए हैं। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे नाजायज़ अदायगियों के ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन में, नैब में जो है वो जाना चाहिए, नैब को लेटर लिखने चाहिए
اور اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ایپٹ آباد میں ہوا, ایک ریجنل آفیسر نے جو ہے, ایک معمولی آفیسر نے کتنے کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا دیا. اب ظاہر ہے وہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ادارہ جو ہے وہ ایسے ہی لٹے گا اور لٹتا رہے گا. بہرحال امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا, پریس کر لیجئے. چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.